हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपको एनालिटिकल की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। और इसमें कुल 5 यूनिट हैं। तो पहली यूनिट एनालिटिकल केमिस्ट्री की है, वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। टाइप्स ऑफ केमिकल एनालिसिस, टाइप ऑफ केमिकल एनालिसिस दो टाइप में होती है। फर्स्ट गुणात्मक विश्लेषण क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। गुणात्मक विश्लेषण में पदार्थों या उनके मिश्रणों में उपस्थित अवयवों की पहचान, उसके गुणों जैसे स्मेल, सोलिबिलिटी, निष्कासित गैस की गंध तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के रूप में रेडिकल एनालिसिस। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू टाइप्स का होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतनी विश्लेषण। दूसरा भारात्मक विश्लेषण, ग्रेमेट्रिक एनालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिक एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिक एनालिसिस भारात्मक विश्लेषण का सिद्धांत भार ज्ञात करने से संबंधित है। यानी किसी भी पदार्थ या आयन या यौगिक को जब हम तोल के उसकी मात्रा ज्ञात करते हैं तो उसको हम भारात्मक विश्लेषण के अंदर स्टडी करते हैं। भारात्मक विश्लेषण का सिद्धांत में जब किसी तत्व या मूलक का आकलन करना होता है तब उसे एक शुद्ध स्थायी यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस अविलय स्थायी यौगिक को या तो उसी रूप में तोल लिया जाता है या उसका ज्वलन करके उसे ऐसे दूसरे यौगिक में बदल दिया जाता है जो तोलने के लिए उपयुक्त हो, या अर्थात हम उसको आसानी से वेइंग मशीन से तोल सकते हैं। उसके बाद गणना द्वारा उस तत्व या मूलक के भार को ज्ञात कर लिया जाता है। ये सारा हम किसके अंदर करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिक एनालिसिस के तहत। अब जब हम इसको डिफाइन करेंगे कि इस भारात्मक विश्लेषण को, ग्रामेटिक एनालिसिस को, तो वी कैन से डैट किसी तत्व को उसके विलयन से उसके यौगिक के रूप में अवक्षेपित करने के पश्चात उस तत्व का भार ज्ञात करने में विधि जो काम में ली जाती है उसे ग्रामेटिक एनालिसिस कहते हैं। अर्थात ये जो पूरा प्रोसेस है किसी भी आयन, यौगिक या परमाणु के तत्व को उसके विलयन में से सेपरेट करने के बाद उसे जिस फॉर्म में अवक्षेपित करते हैं उस विधि के द्वारा करते हैं, वो विधि क्या हुई, ग्रामेट्रिक एनालिसिस होती है। ग्रामेट्रिक एनालिसिस में सॉल्यूशन से किसी तत्व या मूलक को प्योर फॉर्म में अर्थात विशिष्ट रूप से पृथक करने की कई विधियां प्रचलित हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहली है अवक्षेपण विधि, प्रिसिपिटेशन मेथड। सेकंड बाष्पीकरण विधि, एवोपरेशन मेथड। थर्ड इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, वैद्युत विश्लेषक विधि। और फोर्थ है निष्कर्ष तथा क्रोमेटोग्राफी, एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। इनको हम जो मुख्य रूप से यहाँ काम आती है और जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है जिस एनालिटिकल केमिस्ट्री में अपन इसकी स्टडी करते हैं, तो उनमें मुख्य रूप से है प्रिसिपिटेशन मेथड।
प्रिसिपिटेशन मेथड या अवक्षेपण विधि। सभी विधियों में अवक्षेपण विधि सबसे उत्तम है। अवक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके जिसमें तत्व या यौगिक को उसके विलयन में से अवक्षेप के रूप में प्राप्त करते हैं, अर्थात उसको प्रिसिपिटेशन फॉर्म में अपने को प्राप्त करना है या पीपीटी फॉर्म में प्राप्त करते हैं। इस विधि में तत्व के विलयन में उपयुक्त अवक्षेपक मिलाकर उस तत्व या मूलक को उसके स्थायी यौगिक के रूप में अवक्षेपित किया जाता है, अर्थात उस फॉर्म में उसको प्राप्त करते हैं जो आसानी से अपने अवयवों में विघटित नहीं हो, उसकी स्थायित्व अधिक हो। तो जैसे हम उसके उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे बैरियम का आकलन करने के लिए बैरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित करते हैं, तत्पश्चात प्राप्त अवक्षेप को घोलकर सुखाकर तथा जलाकर निश्चित रासायनिक संगठन का निर्जल यौगिक प्राप्त कर लिया जाता है, अर्थात उसमें से जो वाटर और नमी की जो मात्रा होती है उसको क्या करना है, अपने को हटाना है, उसको डिहाइड्रेट करना है, जिससे अपना रासायनिक संगठन का जो निर्जल यौगिक प्राप्त होगा वो शुद्ध फॉर्म में हो। उस यौगिक का भार ज्ञात कर लिया जाता है तथा इससे उससे गणना द्वारा तत्व या मूलक का भार ज्ञात कर लिया जाता है। कभी कभी तत्व का आकलन प्राप्त अवक्षेप के रूप में ना करके अन्य रूप में भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अपन उस फॉर्म को आकलन करते हैं तो एक दो मेथड और भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे रासायनिक संगठन का जो अपने को पीपीटी प्राप्त होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा, वो शुद्ध फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में प्राप्त हो। जैसे एमजी का अवक्षेपण, यानी मैग्नीशियम का जब अवक्षेपण करते हैं तो एमजी NH4 का होल ट्वाइस PO4 6H2O, यानी ये फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, MgNH4 का होल ट्वाइस PO4 6H2O। MgNH4 का होल ट्वाइस PO4 6H2O के रूप में करते हैं, लेकिन इसे MgP2O7 मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट के रूप में तोड़ते हैं। जब इसको ब्रेकअप करना है तो उसको किस फॉर्म में करेंगे, MgP2O7 मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट के रूप में तोड़ते हैं। इस टेबल के द्वारा हम इन उदाहरणों को बड़े आसानी से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, जिससे अपने को किसी भी आयन या मूलक को जब प्राप्त करना है तो किस फॉर्म में अपन उसको अवक्षेप के रूप में लेंगे, और जब उसको अपन तोलते हैं, वेइंग करते हैं, तो किस फॉर्म में अपने को वो प्राप्त होगा। पहले बैरियम अवयव है, अवयव अवक्षेप का रूप और तोलने का, यानी तोलते समय अवक्षेप का रूप, वेइंग फॉर्म क्या है। तो बैरियम को बैरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित करते हैं, और जब हम तोलते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, BaSO4। दूसरा उदाहरण है सिल्वर, Ag। Ag का अवक्षेपण AgCl के रूप में करते हैं, और
उसको जब तोलेंगे अपन, वेइंग फॉर्म होगी तो उसकी क्या होगी, AgCl4। जितने भी स्टूडेंट आप लैब में काम करते हो और रेडिकल्स का सेपरेशन करते हैं ग्रुप फर्स्ट से और सेवन तक, तो उसमें आप जिस फॉर्म में आपको उसको प्राप्त करना है उसका अवक्षेप के रूप में, और जब हम उनको तोलते हैं तो उससे उस फॉर्म में अपने को यहाँ पे दिखाना है, तो AgCl AgCl। जबकि अभी अब लेड है, PB है, इसका अवक्षेपण का रूप क्या है, PbSO4। और जब हम इसको तोलेंगे बेइंग फॉर्म में लेंगे तो उसका क्या होगा, PbSO4। इसी तरह Mg मैग्नीशियम को अवक्षेपण का रूप MgNH4 का होल ट्वाइस PO4 के रूप में प्राप्त करते हैं। और एक्चुअल में ये जो इसका रूप है, वेइंग जब ओपन करेंगे तो इसका क्या होगा, इसके रूप, इसको मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट MgP2O7 के रूप में प्राप्त करते हैं, और उसी को ओपन क्या करेंगे, तोलते हैं। तो ये जो जितने भी उदाहरण हैं, इनके अलावा भी खूब सारे एग्जाम्पल हैं जो रेडिकल्स में अपन उसको किस फॉर्म में प्राप्त करना है, अभी आपको अवक्षेप के रूप में, और फिर उसको अपने को तोलना है तो किस फॉर्म में प्राप्त होगा, वो स्थाई जो फॉर्म होती है उसी में अपने को प्राप्त होता है, और उसका रासायनिक संगठन भी उस टाइम क्या रहता है, निश्चित रहता है। उसमें थोड़ी बहुत मात्रा जल की, जो कि जैसे इसमें है H2, उसकी होती है, तो उसको अपन सुखा के या ड्राई करके या जलाकर उस निश्चित रासायनिक संगठन के रूप में अपन प्राप्त करते हैं। तो ये जो विधि है, ये प्रायोगिक जो विधि है उसके रूप में भी अपन प्रैक्टिकल में जब रेडिकल्स करेंगे अपन, हम क्षारीय मूलकों को जब करते हैं तो उसमें हमारे लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है इस विधि से, आसानी से हम रेडिकल्स को जिस फॉर्म में अपने को प्राप्त करना है उसके रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस इतना ही करेंगे, जो अगला नेक्स्ट है उसको प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण, जो PPT आया है इस फॉर्म में, BA का BSA4, AG का AgCl, लेड का लेड सल्फेट और मैग्नीशियम का अमोनियम फॉस्फेट के रूप में जो प्राप्त हुआ है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, प्रेसिपिटेशन के रूप में कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर इसमें अपनाते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।